Come, come. He's my son. Good evening. My God, really? Nice. Ali Talat. And yes, my brother in law. Come. Ajay, sir. एक्साइटेड हूँ और मैंने उसका ट्रेलर देखा है एंड आई थिंक इट्स फैबुलस. अब हम देख के बताते हैं. जब ऐसा लड़का आता है जो स्पेशल चाइल्ड होता है, ही इज़ नॉट अ स्पेशल चाइल्ड, आई थिंक ही इज़ अ गिफ्टेड चाइल्ड. मैंने उसके फादर से ये कहा कि ही इज़ नॉट स्पेशल, ही इज़ गिफ्टेड, ही इज़ गोइंग टू गिफ्ट अस समथिंग विच इज़ सो अनयूजुअल. एंड थैंक्स टू द पेरेंट्स दैट उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने देखा इस बच्चे में क्या खासियत है और उसको उभारा. बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, बट आई थिंक I give full marks to Rakesh ji and his wife. ऐसे बच्चों को आप किस तरह से encouragement दोगे? इससे अच्छा encouragement और क्या हो सकता है कि आप उस बच्चे को जो उसका शौक है आप उसको और सहारे और उसको encourage करें. इससे बड़ा तो आप कुछ दे ही नहीं सकते वो बच्चे को. मुंबई में ऐसे भी कई बच्चे हैं जिनके सपने पूरे नहीं हो पाते, तो उनके लिए कुछ प्लानिंग है, हो रही है? ज़रूर होनी चाहिए. आई थिंक दिस इज़ लाइक एन एग्जाम्पल कि जो बच्चे जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उनके लिए अगर ऐसे ये यू नो एक प्लेटफॉर्म हो तो देयर इज नथिंग लाइक इट. आज क्वेश्चन हट के है, सरोज मैम ने एक अपने बयान दिया है कि हम वहीं से कम जिसके लिए आए हम वो एक बात करें तो बेहतर है. मैम, एज अ इंडियन सिटीजन कैन यू आस्क कि सरोज मैम ने जो कहा है वो सही है या गलत? बस एज अ इंडियन सिटीजन, यू नो, इट ऑल डिपेंड्स. आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी ऑफ दीस थिंग्स, बट whatever was said yesterday, I mean, I really dekha jaye to I have not really seen because I came in late and I really don't know, and I don't even know what Saroji had said, and I have great regards for Saroji because I have worked with her in so many movies. So I think on this stage I think I wouldn't like to comment. Bollywood ki aisi hasti Sanjay Dutt ki biopic pe ek film ban rahi hai jiska teaser ka launch hua, aapne dekha hoga? मैं संजय दत्त की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. मैंने संजय जी के साथ बहुत पिक्चरें की है एंड आई थिंक आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी. उनका टीज़र काफ़ी पसंद किया जा रहा है और इतने अच्छे टीज़र हैं और उसके और उस एंड पे रणबीर ने आई मीन इतने गेटअप्स किए हैं. नहीं लोग थोड़ी देर के लिए तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल संजय दत्त है, यू नो, उन्होंने बहुत अच्छा गेटअप किया. एंड ऑफकोर्स हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो भी कमाल के हैं. आपने कहा उनके साथ काम भी किया, आप उनके फैन भी रह चुके हो, तो आपको सबसे अच्छा उनका गेटअप कौन सी फिल्म में आपको अच्छा लगा था? जिस फिल्म में मैंने उनके साथ काम किया वो गेटअप. उस मूवी में कुछ खास कुछ आपके मोमेंट्स होंगे जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? मैं देखी नहीं, लेट मी सी. आई थिंक जो दो यंगर संजय दत्त दिखाया है तो वो जब मैं देखूंगी तब शायद रिकलेक्ट होगा और फिर याद आ जाएगा. जी, एक केस चल रहा था काफ़ी सालों से, फाइनली आज उसका जस्टिस मिल चुका है. आशाराम बाबू को एक जेल होने की संभावना हो गई है, दोषी करार दिया गया है उन्हें, तो आपका उन पर क्या टेक है किस तरह से? देखिए, हमारा जो लॉ है वो सबसे ऊपर है, तो व्हाटएवर द लॉ सेज इज दे नो द बेस्ट. मैम, आपके हिसाब से ये सही जस्टिस है? लॉ इज, आई जस्ट टोल्ड यू, लॉ इज अबव ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
congratulations. I saw your your promo and you're wonderful. It's really nice. It's such an honor to meet you. Okay. So question. Thank you. Thank you. Bolu, another man. One channel I. Yes. All the listeners of radio. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. For one minute, please. It is one of my favorites. Anita ji, it's a cabra. इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल में सलमान का सी ग्रुप में जाओ अच्छा जी आपको तो मैं सर कम क्लोज यू या मैम कम क्लोज कम यू गेट द स्टार्ट टुडे या लुक अप प्लीज स्लाइटली डाउन भीड़ हो जाएगी ना आ जाओ आ जाओ No. Come, Dilip. You can also come there because this is coming into yeah. Yeah. Come here. So come here. Come in the center. Come here. Come. You better know me now. Yes, sir. Look, please. You're hiding me with you. One look, please. सर ये है वो लड़का माय सन सॉरी आई शुड नॉट अनीता आओ ना अनीता सर यहाँ पर काश ऐसे गले में अनीता की भी लग पाता काश I want to take a picture of three of us in the please, center. Please, yeah. I want to put it on my Insta. So I think if you can take on your camera and your phone. I want to put it on my Insta. I'll take it. 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 No, man, I will put it on next time. Okay. I'll WhatsApp it. Please. I'll do it. For you. Your camera. थोड़ा स्पीड में घुसना चाह रहे हो तो पैर छूना शुरू कर दो हाय सर
So yeah. That's me. Yeah, yeah. That's his look. Okay, you want that? Yeah. Good. Thank you. Thank you. Yes, sir. Good evening, Sangeeta. Thank you. सर एक साथ में फोटो खींचो भाई थोड़ा सा पीछे हो जाओ, लंबा ग्रुप है. मुझे आपको देना चाहिए, आप मुझे दे रहे हो. अच्छा, तुम्हारे में वीडियो बनाएंगे. हाँ बात करेंगे. हाँ सर वन ग्रुप प्लीज. संगीता आ जाओ. या सर अभी क्लोज थोड़ा सा. आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए सर. थोड़ा सा क्लोज हो जाइए आप लोग. थोड़ा यार पार्टी यार थोड़ा आई थिंक ये इंस्पायरिंग कहानी है, इंस्पायरिंग बच्चा है. क्योंकि मैं, मेरी वाइफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, तो मैं अक्सर ऑटिस्टिक बच्चे हो या डाउन सिंड्रोम के बच्चे हो, इनको देखा है, इनको मिला है, इनसे इंटरेक्ट भी किया है. और इनफैक्ट कुछ लिमिटेशंस होते हैं, बट लिमिटेशंस के ऊपर मात कैसे करते हैं ये लोग और कैसे कुछ जो चाहिए वो अचीव कर लेते हैं. आई थिंक इट्स अ ग्रेट एग्जांपल. दक्ष यहाँ पे जो है परफॉर्म कर रहा है, डांस कर रहा है, और अक्सर वैसे माना जाता है कि ये एक चीज़ के बियॉन्ड कुछ कर नहीं पाते, लेकिन यू नो दीज डेज मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हो, वो अपने आप को प्रूव करने की एक उनमें शक्ति है, एक लगन है, एंड दे आर गोइंग बियॉन्ड वॉट इज़ assumed of them or what is expected of them, and I think that is very very inspiring for all of us. हाल ही में बीच में ओनिर ने एक फिल्म भी बनाई थी, मैं उसके लिए भी था, और वो फिल्म भी देख के ऐसा लगता है कि क्या नहीं कर सकते, यू नो ये दिमाग में उनके बाकी कुछ नहीं रहता, एक 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 उनका लक्ष्य रहता है और उसको फॉलो करते रहते हैं हमेशा, एंड दे अचीव वॉट दे डू. इसमें सबसे बड़ा हाथ मैं ये कहूँगा पेरेंट्स का भी है कि वो जिस तरीके से उनका ग्रूमिंग करते, जिस तरीके से उनको बड़ा करते, जिस तरीके से उनको कॉन्फिडेंस देते, वो बहुत बड़ी बात है. पेशेंस जिस तरीके से उनके साथ रखते हैं और वो उन्हें जो अचीव करना चाहते हैं उसमें हेल्प करते हैं. सो आई थिंक पेरेंटिंग भी बहुत मायने रखता है इस चीज़ में. बहुत सीखने वाली बात है हम सभी के लिए
कि चाहे यू नो मुश्किलें जो भी हो, जो इकबाल की थीम थी मेरे फिल्म की, सो समवेयर कहीं ना कहीं मैं जब ऐसे बच्चों को देखता हूँ जो ऑड्स को बीट करके अचीव करते तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी पहली फिल्म भी इकबाल भी कुछ ऐसी तरह थे जो बिल्कुल जो सुन नहीं सकता बोल नहीं सकता ऐसा बंदा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट खेलना चाहता है और वो फाइनली वो अचीव कर लेता है। सो आई थिंक एक कहीं ना कहीं कनेक्शन है मेरा इन बच्चों के साथ। सो बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई इकबाल की भी बातें करता है कि कहता है इकबाल से हम इंस्पायर होके हमारे बेटे ने ये किया वो किया फलाना यू नो, सो अच्छा लगता है। एंड जब आप ऐसा हीरो कोई देखते हो कि जो अपनी लिमिटेशंस पे मात करके कुछ बन जाए कुछ कर दिखाए तो इट इज़ इन इटसेल्फ इंस्पायरिंग स्टोरी और मुझे इकबाल की बड़ी याद आती है। जब इस तरह के बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो उनको किस तरह से प्रोत्साहन करना चाहिए? नहीं यही है इनफैक्ट आज उनके माँ बाप उनके लिए जो कर रहे हैं ये उसे बहुत खुशी देगा, उसे बहुत इनक्रेज करेगा कि वो और कुछ नया अटेम्प्ट करे, नई चीज़ करने की कोशिश करे, खुद को सेल्फ रिलायंट करे, इंडिपेंडेंट बने। क्योंकि मेरे ख्याल से हर माँ बाप की यही तमन्ना रहती है कि उनके बच्चे बड़े होकर इंडिपेंडेंट बन जाए। यू नो एक पॉइंट के बाद वो चाहते हैं कि जब वो ना रहे तो बच्चे अपने आप को संभाल सके। सो आई थिंक वो जो उनकी कोशिश है उसमें उनको कामयाबी मिले। एंड जिस तरीके से वो जा रहे आज ये इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया है, बड़े बड़े लोग मिलने आए, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आई थिंक दैट विल गिव हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉट ऑफ एनकरेजमेंट टू गो अहेड एंड डू व्हाटएवर ही विशेस टू डू। ये सवाल हटके सरोज खान ने एक बयान दिया है कास्टिंग काउच को लेके, तो आपका उस पे कहते हैं कि जो कास्टिंग काउच यार मुझे पता नहीं उन्होंने क्या बयान दिया है वाकई में। उन्होंने ये कहा है कि कास्टिंग काउच तो हो रहा है वो पॉलिटिकल्स में, पॉलिटिशियंस के साथ पॉलिटिकल में भी हो रहा है और फिल्मी जगत में तो होता ही है, मगर एंड ऑफ द टाइम काम तो मिल ही जाता है हमें, तो कास्टिंग काउच ने उनकी जो राय है उन्होंने क्या एग्जैक्टली दिया स्टेटमेंट वो पता नहीं, बट फॉर्चुनेटली मेरे साथ आज तक कभी ऐसे कास्टिंग काउच वाला मामला हुआ नहीं है। तो आई डोंट थिंक आई शुड बी कमेंटिंग ऑन व्हाटएवर शी हैज सेड राइट नाउ बिकॉज आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली शी हैज कमेंटेड। काफ़ी सालों से केस चला रहा था आशारम बाबू को, आज फाइनली दोषी करार दिया गया उन मामलों में जो रेप किए थे। तो बेसिकली जो दोषी है उनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी लेट नहीं हो रहा कुछ कानून के सी कभी कभी वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट आई थिंक हमारी इतनी पॉपुलेशन है, हमारे कोर्ट्स लिमिटेड है, हमारे जजेस वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सज़ा मिल जाए, लेकिन कुछ कुछ लूपहोल्स होते हैं तो लोग लूपहोल्स का भी फ़ायदा उठा के उसको डिले कराते हैं। बट यू नो इवेंचुअली अगर उनको सज़ा मिली है, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया उनको सज़ा मिली है तो वो मिलनी ही चाहिए और यू नो एवरीवन शुड रिस्पेक्ट द जुडिशियरी एंड द जस्टिस सिस्टम दैट वी हैव। कल एक महान हस्ती बॉलीवुड के संजय दत्त के ऊपर बायोपिक बन रही है, उसका टीजर लॉन्च हुआ, आपने देखा? बहुत बढ़िया टीजर है और मेरे ख्याल से जो डायरेक्टर है वो इतने बड़े डायरेक्टर है और उनसे आपको जैसा छोटा मोटा या सब स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते और वो वैसा करेंगे भी नहीं। मैंने टीज़र देखा और मैं हैरान हो गया, वो रणबीर लगता ही नहीं है, वो संजू सर ही लगते हैं और जो मैनरिज्म्स उसने उसमें पकड़े हैं, जो स्टाइल उसने पकड़ी है, आई थिंक इट इज़ फैंटास्टिक, इट इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड राजू सर की एक और ब्लॉकबस्टर के लिए तैयार हो जाइए, इतना ही कहूँगा। आपको कौन सा उनका रोल पसंद है जितना उन्होंने किया संजय दत्त ने अब तक? संजू सर के तो सभी फैन है यार, मतलब उनकी लगभग सारी फिल्में देखी है, फिर चाहे वो आई थिंक मुन्ना भाई इज ऑल टाइम फेवरेट यू नो, हालांकि उनकी रॉकी से सारी फिल्में देखी है, विदाता भी देखी है, अबूबा 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 को छोड़ के नहीं जाऊंगा, बट आई थिंक मुन्ना भाई का जो उनका किरदार है आई थिंक दिस इज एन ऑल टाइम फेवरेट, बहुत बढ़िया काम किया। No upcoming project. I'll talk about it when there are something to talk about. Thank you.
Why you can't ask? You ask? ओके ये मूवी नहीं है एक्चुअली, या इट्स ए डांस एक्शंस हैं, इट्स डिफरेंट डांसेस ऑन डिफरेंट डांस नंबर्स एंड विच ही हैज डन, सो टेकन टुगेदर इट इज़ फॉर द वन विच विल बी शोन टुडे, इट इज़ ऑफ हाफ एन आवर, सो बट इट इज़ नॉट ए मूवी. Feeling very proud because he is totally independent. I'm because he is a special child. Even then, he is totally independent. He does everything his own, and he is capable to do anything. And he is a good dancer, and very loving and caring. And always he says, "I am his partner." So he is very much comfortable in my presence. So wherever he goes, I follow. How can you enjoy your dance? Yeah, and the things my hero, things style. Who? Me. Oh, I am now hero. It's my hero. Okay. And who is your favorite hero? Varun. Varun, the one. Salman Khan. Salman Khan. Abar Khan. Amir Khan. And Akshay Kumar. Akshay Kumar. Everyone is having good body, so things, he likes good body. Style and because gym, he goes gym Mangkab, regularly. Shopping, gym Nui. His hobby is shopping. And shopping, movie. Nui. Movie. Okay. Same game, video game, basketball, motorbike, swimming. Oh, swimming, he likes swimming. Athletic, boxing. Boxing. Yeah. What's about your short film, like dance? Yeah, I said in my school, Nanmi Boy. He studied in Baldwin Boys in Bangalore. And this is basketball, Miss Sajani. His principal's name is Miss Sajani. मैंने गया बॉलर में बॉलर में बैंगलोर बॉलविन बॉयज आई एम इज इंटरप्रेटर बहुत बोला अभी या मैम हाउ यू थिंक लाइक कोलकाता क्लास में कि कैसा असर छोड़ेगा हाँ लोगों पे छोड़ेगा ये क्योंकि बिकॉज ही इज अ स्पेशल चाइल्ड एंड ही इज़ टोटली कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग सो जो बच्चे इस टाइप के जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए उनको जस्ट लाइक यू ट्रीट एज ए अदर पर्सन जैसे आप अपने और बच्चों को ट्रीट करते हैं कॉमन बिहेवियर होना चाहिए बहुत हद से ज़्यादा इनके लिए पॉजिटिव नहीं होना चाहिए बहुत केयरिंग नहीं बस नॉर्मल होना चाहिए एंड इनको प्यार चाहिए सबसे ज़्यादा प्यार दीजिए सपोर्ट दीजिए एंड ये कुछ भी कर सकते हैं सो ये सबके लिए है कि ऐसे बच्चों को इग्नोर ना करें उनके साथ बराबर बने रहें उनको सपोर्ट करें और प्यार दें. Thank you.